तो गाड़ी में जो टायर हैं वो चेंज होने थे, तो भैया भाभी दोनों लोग गए हैं और भाभी सांभर की तैयारी कर गई थी। मतलब के लिए रखनी है सिलाई मशीन, थोड़े कपड़े हैं जो कि हम जाएंगे तब के लिए। नंबर वन, नंबर वन स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये वैसे हमारा शाम का टाइम हुआ है और अभी हमारे 8 बज रहे हैं और मैं अभी अपने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आपको दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ मैं। मैं एक्चुअली बना रही हूँ डोसा और ये देखिए मेरे आलू तैयार हो गए हैं अभी अभी बस किया है। और ये है हमारा डोसे का बैटर जो कि इडली के बैटर से ही हम बना रहे हैं, जो बचा हुआ था उसे अब हम बचे हुए से बना रही हूँ मैं डोसा। और हमारा सांभर भी रेडी है, ये देखिए चटनी भी भाभी बना गई है, हालांकि भाभी इसको छौंक गई थी। और बाकी अभी मैंने इसमें खटाई का पानी वगैरह सब ऐड कर दिया है। तो मैंने एक्चुअली गए हुए टायर डलवाने के लिए क्योंकि अभी हम लोगों को जैसे मैंने बताया वो बाहर जाना है, तो गाड़ी में जो टायर हैं वो चेंज होने थे, तो भैया भाभी दोनों लोग गए हैं और भाभी सांभर की तैयारी कर गई थी। मतलब एक बार वो छौंक के गई थी, अभी मैंने बस खटाई का पानी डाला है, उसके अलावा मैंने सांभर मसाला डाला है। मैं अपना डोसा बना रही हूँ, मैं क्या रचिता मम्मी के लिए बना रही हूँ, फिर जब तक मैं भी खा दूंगी अगर ये लोग देर से आते हैं तो। रचित भी आ गया, देखिए रचित दो अपना डोसा लो, देखिए भूख लग रहा था। भाभी ने कहा था आके करेंगे लेकिन ये इन लोग को टाइम लग रहा था इसलिए मैंने देख लिया है। तो आपको दिखाती हूँ, वैसे मेरी लेयर काफी अच्छी आ रही है, देखिए पतले पतले बना रही हूँ मैं। अभी ये पहला है तो थोड़ा सा बस दिक्कत करेगा। और आज हमारा डोसे के प्लान था, तो वैसे डोसे जब भी बनते हैं तो मैं बनाती हूँ लेकिन सांभर वगैरह भाभी बना लेती हैं। तो आलू मैंने फ्राई कर लिया था और भाभी का जब वेट कर रही थी भाभी नहीं आई, तो मैंने जो सांभर का जो थोड़ा बहुत भी चीज़ करने को रह गया था वो मैंने कम्प्लीट कर लिया है। और यहाँ मैं वैसे ही चटनी और सांभर वगैरह सब बनाना मुझे आता है लेकिन भाभी को ये बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो भाभी ही बनाती हैं और बाकी डोसे का काम मैं करती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मम्मी और रचित के लिए ही बन रहा है, रचित के लिए प्लेन डोसा बनता है। बिना ऑयल के कैसे इसकी लेयर आराम से उतर जा रही, मैंने इसको ऑयल नहीं लगाया है, बहुत ही कम ऑयल में बनता है ये, बहुत आसान है। इससे थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ। रचित ले जाओ, वैसे ही और क्रिस्पी हो जाएगा, ये देखिए लेयर दिखाते हैं इसकी, कितनी अच्छी बनी है इसकी परत। ये रचित और ये बनना है आलू वाला जो कि मम्मी के लिए, रचित सादा खाता है तो उसके सादा में ये वाला बनेगा आलू वाला, ये देखिए काफी क्रिस्पी है। वीडियो में सफेद सा लग रहा है लेकिन काफी क्रिस्पी है। अब खा के बताइए कैसा लग रहा है, सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसी बना आज का डोसा सही बना है। नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग है जो कि हमारी शुरुआत डेली की तरह हो रही है, जैसे हमारी डेली होती है कामकाज के साथ बस वैसे ही हो रही है। और रचित गया हुआ है स्कूल और भैया अभी उसको छोड़ने के लिए ही गए थे। नॉर्मली 7 बजे तक मेरा ये सब काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद बस पोछे का रह गया है। तो फाइनली हम आ चुके हैं नहा के और अभी मैं बस बाल बांधती हूँ, अभी मैंने ऐसे ही खोल लिए थे थोड़े से, मतलब बाल मैं सही कर रही थी काम रही थी। तो इसके बाद हम सीधे पूजा करने जा रहे हैं, वैसे मैं आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिखाऊंगी, पूजा वूजा करके नाश्ता करके सारा काम से फ्री होके फिर आपको दिखाते हैं क्लियरली मैं कौन सी चीज़ें। और इससे पहले जब हम लोग लास्ट टाइम छत पे गए थे तो हम लोगों ने देखा था जो ऊपर प्लांट वगैरह थे उसमें काफ़ी जो कहते हैं ना कीड़े वगैरह लगे हुए थे, तो मम्मी को एक जुगाड़ आता है जिसमें नीम की पत्ती का पानी जो होता है वो डाला जाता है, तो बस वही मम्मी बनाने के लिए कह रही थी वही बन रहा है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम बाद ये कद्दू की सब्जी छौंकी, और सच बताऊँ वैसे मैं कद्दू ज़्यादा नहीं खाती लेकिन आज पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम बाद एक तो बन रहा था तो मेरा भी मन कर रहा था कि कद्दू जल्दी खाऊँ।
और इसमें मैं पूरी एक अमिया डालूंगी और ये काफ़ी टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ सच बताएं तो बहुत ज़्यादा खट्टा ही खाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल हमारा जो खट्टा होता है उस तरह का ही खाया जाता है। और इसको हमारे यहाँ घोट के बनता है तो मैं घोट के ही बनाऊंगी। और फाइनली ये देखिए हमारी सब्जी जो है बिल्कुल बन के तैयार है। इसमें हल्का सा मैंने वो डाल दिया था गुड़, ताकि थोड़ा सा हमारा खट्टा मीठा हुआ बन जाए। इसके अलावा मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालती हूँ। और बस इसके बाद बनने हैं हमारे पराठे, क्योंकि ये मॉर्निंग में हमारा थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कद्दू की सब्जी, पराठे और ये कल का रायता था जो चटनी बोलते हैं उसकी, क्या बोलते हैं, डोसे की। और मम्मी खाना खा रही हैं, हमारा टाइम हो रहा है 10:20। देखिए मुझे इसके लिए रखनी है सिलाई मशीन, थोड़े कपड़े हैं जो कि हम जाएंगे तब के लिए ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें इसको थोड़ा सिलाई एक बार मारनी पड़ेगी। और बस अब हम अपना करेंगे नाश्ता और उसके बाद रखेंगे सिलाई मशीन, देखते कितनी देर में। और मैं नहीं चाहती थी हमारा जाने के टाइम पे एकदम भड़बड़ में सारा काम हो, क्योंकि ये जो हमारा सिलाई वगैरह का और ये जो और काम होता है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस मैंने आज मशीन भी फाइनली रख ली है, क्योंकि इसके बाद मैं सोच रही थी सिलाई करके फिर इसके बाद जो कपड़े हमारे प्रेस वगैरह के हैं उसको भी प्रेस करके हम जो हमारे कहते हैं ना बैग वगैरह में रख लेंगे, जब जाना होगा तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अक्सर यही होता है एंड टाइम पर हम लोग को समझ में आता है कि ये चीज़ हम भूल गए, वो चीज़ भूल गए। तो जो भी चीज़ हमें रखना था मैं फ़िलहाल रखती ही जा रही हूँ। मम्मी के कपड़े भी हमने निकाल लिए थे, और मम्मी के कपड़े तो मम्मी ने मना कर दिया कि उनके प्रेस नहीं होने हैं। और मेरे जितने कपड़े थे सूट वगैरह, क्योंकि मैं बहुत ही बुरी तरह से रखती हूँ, सब घुसेड़ घुसेड़ के रखती जाती हूँ, इसलिए मुझे डांट भी अक्सर पड़ती है, तो मैंने इसको प्रेस करके रख लिया है। और इसके अलावा मुझे किसी ने कहा था कि आप गाउन पहनिएगा, तो ये है मेरा गाउन जो कि मैंने एक ही खरीदा हुआ, और मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, आप वीडियो में देखिएगा। और यहाँ हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया है कहीं जाने का, आपको टाइम दिखाती हूँ पौने सात हो रहा है, और मम्मी हो चुकी हैं रेडी और मैं भी हो चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ मेरा लुक। और यहाँ पर भैया भी चेंज करके आ गए थे, तो बस मैं सबसे पहले गाड़ी में ही जाके बैठ लूंगी, इसीलिए बस मैं जा रही थी। और मैंने मम्मी को जो है अपना फ़ोन पकड़ा दिया है, क्योंकि मम्मी भी अब दूसरे साइड से गेट बंद करके अपना निकल जाएंगे और मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, क्योंकि ऐसे मुझे पूरा घूम के जाना पड़ता, इसलिए मैं यहीं अपना जो हमारा रूम का शॉर्टकट है बस यहीं से निकल के गाड़ी में बैठ जाऊँगी। और फाइनली हम लोग जा रहे हैं, और ये हमारा नाइट का वो है, तो बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर आपको भी पता है कि जब हम कहीं जाते हैं नाइट में काफ़ी अंधेरा रहता है, तो जिसकी वजह से कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमारी जब थोड़ा सा लाइट आई तो मैं और रजत खुश हो गए, क्योंकि हम लोग बहुत देर से इसको वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, यहाँ हमें लाइट नहीं मिल रही थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भैया के घर, और जब हम लोग पहुंचे थे तो हमारा स्वागत एक जर्मन शेफर्ड ने किया था, जो कि मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से, और जब काफ़ी हैवी होता है भारी भरकम होता है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भैया ने उसे ऊपर ही बंधवा दिया था, क्योंकि जब नए लोग आते हैं तो हम लोग वैसे भी काफ़ी टाइम बाद गए थे तो वो काफ़ी भौंक रहा था, तो जिसकी वजह से ऊपर ही बंधवा दिया था। और यहाँ पर चल रहा था हमारा IPL, और सच बताऊँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसमें कौन कौन सी टीम है, तो बस मैंने थोड़ी सी ही यहाँ रिकॉर्डिंग की थी। और इसके बाद मैंने रजत को भी थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दिया था, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग अब देख सकते हैं कि उसने किस तरह से रिकॉर्डिंग की है। उसका मुझे पता ही नहीं चल रहा था कहाँ वो रिकॉर्ड कर रहा था, उसको क्या जल्दबाजी हो रही थी, तो उसने अंदर जाके भी काफ़ी चीज़ें की थी, हालांकि मैंने मना कर दिया था, क्योंकि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता किसी के घर में जाके हम इतना रिकॉर्ड करें। लेकिन भैया ने भी कह दिया नहीं कोई बात नहीं है, ये भैया का किचन था। और इसके बाद काफ़ी देर रुकने के बाद हम निकल रहे थे, और यहीं पर एक सीन ये हुआ कि जो उनका डॉगी था वो पता नहीं कहाँ से ऊपर से आ गया और मेरे बगल में था, उसने मुझे जैसे ही टच किया, मेरी तो कहते हैं ना कि ऊपर की सांस बिल्कुल ऊपर चढ़ गई कि हुआ क्या, मुझे लगा अब तो मैं गई कहीं ना कहीं ये बाइट ज़रूर करेगा, लेकिन वो काफ़ी सीधा था, उसने कुछ नहीं किया, बस सूंघ के दोनों तरफ मेरे दोनों हाथों को सूंघ के वो चुपचाप चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, वो छोटी थी, वाइट वाला बच्चा, वाइट वाला, इसकी ये मां बन थी इसकी, क्या प्यारा वाला वाइट वाला।
सुबह एकदम बिल्कुल भोर होते ही जो है चीजी चीजी। ये व्हाइट वाले की फोटो खींचो। फोटो चीजी ये व्हाइट वाला वो उसका वो बेबी है। ये इधर अब उधर से खींचो। अरे ये लोग आएंगे अभी। अब फोटो खोई। अब मिल गया व्यू। कितनी मस्त है। बस जल्दी करो तो भाग जाएगा वो उधर की साइड चला जाएगा। ये एक्सरसाइजिंग का एरिया। और हमारे यहाँ इन भैया लोग को भी इस तरह की चिड़िया वगैरह का काफ़ी शौक है, तो भैया लोग ने ये घर पे ही पाले हुए थे। तो मैं काफ़ी पीछे तक तो नहीं गई। नेक्स्ट टाइम भैया से बोला जरूर है कि हम लोग मॉर्निंग में किसी दिन आएंगे तब पूरा देखेंगे। रात में मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई थी। तो बस फाइनली हम लोग निकल चुके थे घर, और घर पे आने पे हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग खाना बाहर ही खाएंगे, और यहाँ पर हम लोग एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर ही बैठ गए थे। तो यहाँ पर एक्चुअली दो फ्लोर बने हुए थे, तो ऊपर भी था नीचे भी था, लेकिन मुझे चलने में दिक्कत होती है इसलिए हम लोग नीचे फ्लोर पे ही बैठे थे। तो यहाँ पर बस हमारा खाना वगैरह आने वाला था, तो बस मैंने थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन कर लिया, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग कहीं जाएँ तो बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं करें। हालाँकि ये काफ़ी अंदर चल के हमें आना पड़ा था, लेकिन भैया भी थे साथ में और मैं पहले भी रिकॉर्डिंग करती जा रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ नहीं की कि पता नहीं भैया कहीं गुस्सा ना करें। और यहाँ पर फाइनली देखिए आ चुका है हमारा खाना, और ये खाना वास्तव में काफ़ी टेस्टी था। तो मम्मी का एक्चुअली मन होता है जब जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो उनको कहते हैं ना चाइनीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद होती हैं, तो वो नॉर्मली हमारी जो रोटी सब्जी होती है जो कहते हैं ना कि उसकी तंदूरी रोटी उस तरह की ज़्यादा पसंद करती हैं। तो बस वही हमने ऑर्डर करती थी। एक दाल थी हमारी, सब्जी थी पनीर की, और इसके अलावा रोटी और सैलड वगैरह था। और खाना ये काफ़ी टेस्टी था। और इसके बाद सीधे हम निकल चुके हैं घर के लिए, और इस समय लगभग हमारा 9:45 लगभग बज रहा था, और ये है हमारी विजयनगर मंडी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे, बस चेंज करने जा रहे हैं। टाइम हो रहा है हमारा 9:45। खाना वगैरह हम लोग खा के आए हैं, अब बस अभी आए हैं चेंज करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपने आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।